तो हरियाणा सरकार की कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद सीएम मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा ले चलते हैं। चूंकि सेशन जो बजट का वो थोड़ा लंबा चला था, क्योंकि दो पार्ट्स के बीच में उसका ब्रेक भी लंबा था, इसलिए पहली जो बैठक हमारी थी वो जनवरी में हुई थी कैबिनेट मीटिंग। फरवरी और मार्च दोनों महीनों में फिर सेशन चला और अब आज 5 अप्रैल आज फिर से कैबिनेट मीटिंग थी। एजेंडा की संख्या थी वो भी काफ़ी, क्योंकि लंबे गैप के बाद हुई है तो वो संख्या भी 36 थी। 36 में से 3 एजेंडा ऐसे थे जिसमें कुछ ना कुछ दोबारा से उसको रिवाइज करके लाने की बात है, तो उनको डेफर किया गया है, दोबारा से आएंगे। 33 एजेंडा में जो महत्वपूर्ण है उनकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। कुछ फॉर्मल होते हैं लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जिसकी चर्चा करने के बाद आपको एक जानकारी दे रहा हूँ कि हमारा जो विलेज कॉमन लैंड एक्ट है 1964 का, उसमें संशोधन किया है और उसके संशोधन का आज विचार किया। एक्ट में ही संशोधन विधानसभा में आएगा बाद में। जो गौचरांद की ज़मीनें हैं उन गौचरांद की ज़मीनों को गौशालाओं के लिए अगर कोई भी ग्रुप है, कोई गौशाला पहले से चल रही है या कोई और संस्था लेना चाहती है, तो उसके लिए प्रावधान किया है कि अब छोटी बड़ी कितनी गौशालाओं के लिए जहाँ गौचरांद की ज़मीन है वो पंचायत प्रस्ताव पारित करा करके भेजेंगे तो उनको मिल जाएगी। डीसी के माध्यम से भेजेंगे। प्रति 1000 गौओं के पीछे 7.5 एकड़ का एक शेड के लिए और 15 एकड़ गौचरांद चारे के लिए। और इसी प्रकार से यदि कोई गौ संवर्धन के अन्य कोई काम वहाँ करने की बात जैसे आती है, बायोगैस का कोई प्लांट लगाना है, कोई पशुओं का वहाँ उसी यानी गौशाला के लिए कोई चिकित्सा अस्पताल चलाना है, कोई अनुसंधान या ट्रेनिंग सेंटर कोई करना है, पंचगव्य उत्पाद जैसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए गौओं के जो पंचगव्य होते हैं उनके से कुछ उत्पाद भी किया जा सकता है, दूध का, दही का, घी का, या जैसे गौमूत्र है, गोबर है, उसके बहुत सी चीज़ें बनने लग गई हैं, तो इस प्रकार से उसके लिए भी उनको स्थान उपलब्ध कराया जाएगा 2 एकड़। तो इस प्रकार से जितनी बड़ी गौशाला होगी उसी हिसाब से उसका प्रावधान किया है। 5100 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से 20 वर्ष तक के पटे तक वो ली जा सकती है। पहली अवधि बहुत कम होती थी इसलिए लोग लेते नहीं थे, कम अवधि के बाद फिर पंचायतें नोटिस निकालती थी खाली करो दोबारा ऑक्शन करेंगे, ये वो ऐसा नहीं। लेकिन गौशाला कोई बनेगी तो कम से कम 20 साल उनको चाहिए, तो उसका जो प्रावधान किया है टाइम पीरियड भी बढ़ा दिया, राशि भी बढ़ाई है, पहले 1000 रुपये एकड़ थी अब 5100 रुपये एकड़ कर दिए। दूसरा विषय कि जैसे कर्मचारियों को अपने इलाज के लिए मेडिकल जो एड मिलती है, जो फैसिलिटी मिलती है, उस फैसिलिटी में अभी तक एलोपैथी का ही रीइंबर्समेंट होता था हॉस्पिटल्स के जो इलाज का, अब उसमें आयुष पद्धति से भी अगर कोई इलाज कराएंगे उसका भी रीइंबर्समेंट का पैसा उनको मिलेगा। इससे आयुष को भी प्रमोट होगा और आयुष के साथ जो पद्धतियाँ होती हैं वो बहुत कई बार कारगर होती हैं, तो बहुत से जो कर्मचारी हैं शायद इसी कारण से वहाँ नहीं कराते थे कि उनको रीइंबर्समेंट नहीं होती थी, रीइंबर्समेंट होगी तो आयुष पद्धति को भी प्रमोशन मिलेगा और लोगों को चिकित्सा की एक नई पद्धति ये भी मिलेगी। हमारे यहाँ जो बड़े शहर हैं, नगर निगम जो हैं, उसमें पहले से 3 मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटीज़ बनी हुई हैं, गुरुग्राम की GMDA, फरीदाबाद की FMDA और पंचकुला की CMDA। अब हमने सोनीपत की जो घोषणा की थी उसको भी आज विधिवत निर्णय ले लिया गया, SMDA सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसका भी एक प्रस्ताव पारित किया है। इसी प्रकार से जो रैशनलाइजेशन का एक आयोग हमने बनाया है उसको भी विधिवत आज पोस्ट फैक्टो जैसे मिलती है मंजूरी वो हमने दी है, और रैशनलाइजेशन जो आयोग है उसके माध्यम से 6 महीने का समय उनको दिया है कि जितने विभाग हैं, बोर्ड है, कॉरपोरेशन है, उसमें जो एम्प्लॉइज हैं उनकी संख्या कहाँ ठीक है, कहाँ कम है, कहाँ ज़्यादा है, यानी नंबर ऑफ पोस्ट की सैंक्शन है, या जैसा अब समय परिवर्तन के साथ टेक्नोलॉजी आ गई है, नई नई विधाएं आ गई हैं, बहुत से विभागों का काम बढ़ गया है, कई विभाग ऐसे जो मर्ज हो गए हैं, तो उस प्रकार से एम्प्लॉइज की रैशनलाइजेशन का जो आंकड़ा है वो 6 महीने के अंदर देंगे। उनके आयोग के जो चेयरमैन हैं श्री राजन गुप्ता, उनको लगाया गया है। एक काम और दिया उनको
कि एक रिपोर्ट बना करके देंगे जो रिजर्वेशन एंड प्रमोशन जिसकी हमने घोषणा की कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर और जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी उसके यहाँ लागू कर दिया अपने यहाँ हमारे यहाँ भी लागू नहीं हुआ है उसकी रिपोर्ट भी इसी महीने वो देने वाले हैं कि किस किस विभाग में क्योंकि अब हर विभाग की हर काडर की अलग से ये प्रमोशन होगी प्रमोशन या रिजर्वेशन एंड प्रमोशन तो काडर वाइज होगी उसकी रिपोर्ट भी उन्होंने इस महीने में हमको देनी है। हम देखते हैं कि जो इंजीनियरिंग वर्क्स हैं हमारे उसमें क्वालिटी का बड़ा इशू आता है इसके लिए ये घोषणा की थी हमने क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी उसको विधिवत आज मंजूरी मिल गई है कि क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी के नाते से उसका चेयरमैन होगा कुछ मेंबर्स होंगे अलग अलग विधाओं के होंगे और ठीक से क्वालिटी मेंटेन कैसे हो इसके लिए कुछ नॉर्म्स बनाएंगे और थर्ड पार्टी का सहयोग भी लिया जा सकता है अथॉरिटी के लोग खुद भी जाके चेक कर सकते हैं डिपार्टमेंट को भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि ये चीज़ें आपने चेक करनी है ताकि उसका एक क्वालिटी वाइज चीज़ें हमारी इम्प्रूव हो जाए तो अलग से एक अथॉरिटी जो बनी है उसका भी आज क्लियरेंस हुआ है। बिल्डर्स के नाते से जो लोग लाइसेंस लेते हैं मेनली तो गुड़गांव में ज़्यादा है फरीदाबाद में ज़्यादा है लेकिन प्रोजेक्ट्स कई बार लाइसेंस लेके शुरू कर देते हैं बाद में किन्हीं कारणों से डिले होता है। लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए कुछ नियम बनाए हुए हैं उन नियमों में खास करके उनके ऊपर जो पेनल्टी लगती है पेनल्टी भी समय पर चुकाते नहीं हैं। अब उसमें उनका कहना होता है कि डिपार्टमेंट का दोष है डिपार्टमेंट का कहना है उनका दोष है। धीरे धीरे हम पॉलिसीज़ के माध्यम से चीज़ें ठीक तो कर रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ की पेंडेंसी बहुत अधिक होने के बाद लाइसेंस का जो रिन्यूअल फीस है वो इतना यानी बड़ी मात्रा हो जाती है कि कभी कभी वो भरने भी में भी असमर्थ हो जाते हैं और दोनों तरफ से स्टक हो जाता है मामला। उनको सबको राहत देने के लिए जिनकी तरफ ज़्यादा पैसा हो गया पेनल्टी का तो जो मूल जुर्माने की राशि है उसमें जुर्माना जो है वो कितना ही हो गया है तो वन टाइम सेटलमेंट में जिन्होंने कोई पैसा भी भरा नहीं है उनको सिर्फ 25% उसकी राशि देकर उस पेनल्टी या जो इंटरेस्ट है यानी कुल मिला के 100% का 25% और यानी 25% ऑफ कैपिटल वो जो कैपिटल का जो ओरिजिनल अमाउंट उस पेनल्टी नहीं जो ओरिजिनल अमाउंट का अगर उससे भी ज़्यादा है तो सिर्फ उसका 25% अर्थात टोटल का 125% वो दे करके और बाहर हो सकते हैं और उनका लाइसेंस जो रिन्यू हो जाएगा और बाकी अपने काम को जारी रख सकते हैं। और जिनका यानी पार्ट पेमेंट आई हुई है उस रिन्यूअल में और पार्ट पेमेंट रह गई है उसका नियम ये बनाया कि जितनी पार्ट पेमेंट है वो और जो उसके इंटरेस्ट और पेनल्टी की राशि है उसका 10%। पहले तो था टोटल का 25% इसमें केवल इंटरेस्ट और पेनल्टी का 10% वो जमा करा करके और उस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं ऐसा मोटे रूप से हमने निर्णय किया है। डिपार्टमेंट को हमने कहा कि कुछ प्रावधान ऐसे करें क्या पेनल्टी की ओर या जो लेट फीस की तरफ ना जाना पड़े तुरंत अगर रिन्यूअल कराना है तो उसकी कठिनाई को समझते हुए और सरल कोई एक पद्धति बनाई जाए ताकि वो साथ साथ अपना रिन्यूअल भी कराएं अपने काम को पूरा करें। किन्हीं भी कारणों से प्रोजेक्ट अगर स्टकअप होता है तो इसका लाभ किसी को भी नहीं है ना तो बिल्डर्स को है ना जो कंज्यूमर है उनको है गवर्नमेंट को भी लाभ नहीं है। कोई हमें लालच नहीं है कि उनकी तरफ पेनल्टी लगाएंगे तो उसका कोई लाभ होगा कोई लाभ नहीं होता बल्कि एक चीज़ें रुक जाती हैं और इकोनॉमिकली भी आर्थिक दृष्टि से भी हमारा जो चीज़ रुकती है उसका नुकसान तो हम उसका और भी सरल उसका तरीका करने वाले हैं। हमने जो ULB में एक पॉलिसी बनाई थी कि जो 20 साल से पहले अर्थात 2000 से पहले जो प्रॉपर्टी उनको तय बाजारी पर दी गई थी लीज रेंट पर दी गई थी ऐसे लोगों को ऑफर दी है कि वो लोग एक राशि प्रोपोर्शनेट जो कलेक्ट रेट है उसमें एक राशि तय की थी कि उतना जमा कराएं और वो अपने नाम करा सकते हैं। लगभग 1000 प्रॉपर्टीज उनके नाम हो चुकी हैं लेकिन जब ये सारा प्रोसेस चालू किया तो बहुत प्रॉपर्टीज ऐसी निकली शहरों में जो ओनरशिप जो है ULB के बजाय अन्य विभागों की निकली कहीं PWD की ज़मीन पड़ी है कहीं इरीगेशन की है कहीं रेवेन्यू की है कहीं अलग अलग विभागों की यानी ये जिला परिषद की दुकानें भी शहरों के अंदर हैं यानी पंचायती राज की भी और इन सारे विषयों को लेकर के हमने कहा था कि भी सब विभाग उसी पॉलिसी को अडॉप्ट करें ताकि वो जो बची हुई प्रॉपर्टी है वो भी उनके नाम कराई जा सके। आज उस पॉलिसी को क्लियर कर दिया है कि जितने विभाग हैं दो तीन चीज़ें छोड़ी हैं उसमें जैसे हॉस्पिटल्स की कुछ दुकानें हैं वो भी छोड़ दी हैं टूरिज्म वाले उन्होंने भी अपने जो टूरिज्म सेंटर हैं
वहाँ कुछ दुकानें किराए पर दी हैं वो छोड़ी गई हैं, और एक तीसरी चीज़ और छोड़ी थी कोई, हॉस्पिटल्स, टूरिज्म, मतलब दो ही तीन ऐसे छोटे विभाग, वरना जो खास करके म्यूनसिपैलिटीज़ की या रेवेन्यू की या इरीगेशन की, PWD की, जिनका काम दुकानें बना करके रेंट पर देना नहीं है, वो तो कई बार ज़मीन खाली होती है वहाँ तेज बाजारी में, बल्कि किराया भी ULB का ले लेते हैं, और अभी जाके क्लियर हुआ कि ULB तो बिना मालिक हुए भी किराया वसूल रहे हैं। उसकी एक पॉलिसी बना दी कि वो भी उसी पॉलिसी के आधार पर ये ज़मीन है या 100 गज़ का उसका एक साइज़ रखा है, मैक्सिमम दुकान अथवा मकान 100 गज़ का है, वो उनसे पैसा लेके उनका नाम कर दिया जाए, स्वामित्व शहरी ये इसका नाम है। इसमें भी एक प्रगति हुई है। मोटे रूप से ये सब निर्णय थे जो वैसे फॉर्मल थे काफ़ी, तो कोई एक्सटेंशन का है। नहीं अभी सब डिविजन नहीं बनाया, उसको डेफर किया है क्योंकि एरिया का थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। हमने जितना एरिया नॉर्म्स के तय किए हुए हैं कई स्थानों, कई ब्लॉक्स के यानी सब डिविजन के एरियाज वो पूरे नहीं थे, उसकी सहमति पंचायतों से ले करके उसके बाद करेंगे। नहीं, विभागों के जो विभाग मर्ज हुए हैं वो तो हो ही जाएंगे, लेकिन बाकी इधर उधर ट्रांसफर करने की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ेगी कि हर एक विभाग में कुछ ना कुछ कमी तो रहती है, और अगर कहीं संख्या कम होती है तो उससे पूरा हो जाएगा, जहाँ संख्या बढ़ती है उसके लिए नहीं भर्ती होगी। मुझे ऐसा नहीं लगता कोई विभाग जिसमें कोई इतने सरप्लस हो जाए कि इधर उधर करने पड़ेंगे, जो मर्जिंग का है वो ज़रूर मर्जिंग करेंगे, और कई बार पहले दो विभाग होते हैं उनके रूल्स रेगुलेशंस सर्विसेज जो सर्विस रूल्स हैं वो अलग अलग होते हैं, उसमें भी कोई रास्ता ये आयोग निकाल के देगा कि दो विभागों को मर्ज किया है तो सर्विस रूल्स के कारण से कोई विवाद ना हो कल के, इस प्रकार का ये विषय। तो जो क्वालिटी इंश्योरेंस अथॉरिटी बनाई है ये इसकी मतलब क्या, किस तरीके की वर्किंग के ऊपर ये काम करेगी क्वालिटी इंश्योरेंस अथॉरिटी? देखिए वैसे तो डिपार्टमेंट में भी उनकी जिम्मेदारी होती है कि क्वालिटी ठीक रहे, लेकिन कई बार कोई दूसरा एक सिस्टम बनाया जाए तो डिपार्टमेंट पर भी रहता है कि इसमें क्वालिटी का कंप्रोमाइज़ ना करे। वास्तव में तो ठेकेदार ही ज़्यादा गड़बड़ करता है कि क्वालिटी के लिए पैरामीटर्स कुछ और लिखे होते हैं, और जो बनाता है तो उसमें बहुत बार शिकायतें मिलती हैं कि सड़क बनती बाद में है, टूट पहले जाती है, तो अल्टीमेटली कोई ऐसा कोई टेंडर की शर्त थोड़ी होती है कि भी पहले बाद में बने और पहले टूटे, वो तो ये है कि उसकी चोरी पकड़ने के लिए कोई मैकेनिज्म, कोई सिस्टम ये रहना चाहिए। जैसे विजिलेंस डिपार्टमेंट है वो पैसे की कोई बंगलिंग होती है, कहीं कोई भ्रष्टाचार होता है तो वो एंटी करप्शन ब्यूरो है, इसी प्रकार क्वालिटी का ध्यान रखने के लिए अलग से ऐसी व्यवस्था पहले नहीं थी तो एक अलग व्यवस्था रहेगी कि हर बड़े छोटे काम का क्वालिटी का जो पैरामीटर है उसको चेक करने के लिए सिस्टम बनाएंगे। टेक्निकल एडवाइजर तो अभी यानी डिपार्टमेंट में अभी भी टेक्निकल काम करने वाले लोग हैं ही हैं, फिर भी अलग एक अथॉरिटी की इसकी आवश्यकता है, चाहे वो बिल्डिंग है, चाहे वो रोड्स हैं, चाहे वो कोई इस प्रकार का टेक्निकल काम है, कोई मशीनरी है, कोई प्रोजेक्ट है, सब पर निगाह रखें। सर्टिफिकेट जो है वो इस अथॉरिटी के जरिए माना जाता है? नहीं नहीं, अथॉरिटी अभी प्रोसीजर उसका बनना है, उसमें क्या इनका मानो आगे वो भी रिकमेंड करेंगे क्या रोल होना चाहिए, डिपार्टमेंट भी रिकमेंड करेंगे, तो उसके नियम तो भी बनने हैं। आज तो अभी मुख्य रूप से उस अथॉरिटी को बनाने के लिए एक मैंडेट मिल गया कि हाँ उस अथॉरिटी को बनाना है, पहले उसकी एडवर्टाइजमेंट होगी, चेयरमैन बनेंगे, मेंबर बनेंगे, फिर उसके बाद ये सारे प्रोसेस चालू होंगे। नहीं, क्वालिटी कंट्रोल के नहीं है वो, राजन गुप्ता जी हैं नॉर्मलाइज जो रैशनलाइजेशन आयोग के। देखिए डिपार्टमेंट सारी चीज़ का एनालिसिस भी कर रहा है, सब नज़र बनी हुई है, और अभी हमने हेल्थ मिनिस्टर को कहा है कि इस बारे में बार बार मीटिंग्स अपनी करें, वो कर रहे हैं। अभी उस प्रकार की बात तो नहीं है जो पहले एकदम पैनिक था, पैनिक होना भी नहीं चाहिए, होने भी नहीं देंगे, लेकिन सावधानी पूरी बरतेंगे। कुछ पेशेंट्स अभी डिटेक्ट हो रहे हैं भिन्न भिन्न अस्पतालों में, 500 के आसपास ऐसी संख्या है जो अलग अलग अस्पतालों में हैं, कहीं थोड़ा उस प्रकार के सिम्टम्स जैसे पहले कोरोना के सिम्टम्स थे उस प्रकार के समझे निकल रहे हैं, तो उसको सावधानी बरतने के लिए कहा जाता है कि भी सारी जो सावधानी कोरोना वाली वो ध्यान रखें।
एक कल कई रिपोर्ट हुई है, शायद एक डेथ भी हुई है। हाँ, एक डेथ हुई है कल। तो इस पर पूरे पर ध्यान है। और देखिए, पहले भी हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है और इतने अच्छे प्रकार से कंट्रोल भी किया, बल्कि मैं अब भिवानी दौरे में मैंने तो ये सारा लोगों से चर्चा भी की। और भारतवर्ष में प्रधानमंत्री जी मोदी जी के यानी आह्वान पर जैसे साइंटिस्ट ने दो वैक्सीन ये रिसर्च करके और न केवल अपने देश के लोगों को बल्कि दूसरे देशों में भी वैक्सीन पहुंचाई, बहुत बड़ा योगदान भारतवर्ष के लोगों का रहा है उसमें। हम किसी भी तरीके से कोई भी स्थिति होगी उसके लिए तैयार है। जिस तरह से नहीं, कोई इधर आवाज आई थी, सर मैं ये पूछ रहा था जो क्वालिटी इंश्योरेंस वाला मामला है, तो क्या पुराना जो घटिया मटेरियल या कोई शिकायत आती है उसको भी चेक करेगी? सब चीजों को, क्वालिटी में सप्लाई है जो सप्लाई ऑफ मटेरियल उसको भी चेक करेंगे। मान लो कोई आउटडेटेड अब सीमेंट भी है, बहुत पुरानी है, खराब हो जाती है, सरिया है, सरिया में जंग लगा हुआ है, वो भी अगर खराब होगा, बिल्डिंग में कहीं कंस्ट्रक्शन के काम में लापरवाही बरती गई, जैसे अब चिंतल का एक विषय आया गुरुग्राम का, उसके अंदर जो जानकारी मिल रही है कि पानी का ही खराबी थी, पानी जो उपयोग ठीक नहीं किया गया जिसके कारण से जंग भी लगा है लोहे को, तो कोई भी कारण होते हैं उन सब चीज़ों के वो चेक करेंगे। अभी तक तो क्या था कि कोई भी चीज़ खराब होती थी उसकी सैंपलिंग लेकर के हम कभी किसी लैब पर, कभी किसी लैब पर, रुड़की लैब में, कभी श्रीराम लैब में, कभी कहीं, हो सकता है यहाँ कोई ना कोई ऐसा सेटअप भी हम बनाएं कि उस सेटअप में हर प्रकार की चीज़ों की क्वालिटी कंट्रोल के नाते से उसको चेक करने का विधि विधान बनाना पड़ेगा। अभी बताया रूल्स अभी बनेंगे उसके। क्या इसमें कोई ऐसा विचार चल रहा है कि जैसे गेहूं के नमी की मात्रा होती है खरीदने के लिए, तो उसमें कोई छूट देने की बात कर रही है केंद्र से या सरकार अपने तौर पर सोच रही है? देखिए, जब चीज़ें मंडी में आती हैं उस समय ये ध्यान में आता है कि कौन सी चीज़ की आवश्यकता है। कभी कभी लस्टर लॉस ज़्यादा हो जाता है बरसात के कारण से, उसमें कुछ छूट मिलती है। कभी कभी वो दाने का जो ब्रोकन होता है उसमें जो मिक्सिंग होती है छोटे दाने की, उसका कुछ छूट मिलती है। अभी तक हम मुझे ध्यान नहीं आया कि कोई बहुत बड़ी छूट मॉइस्चर में दी गई होगी। मॉइस्चर में छूट देने से जो है वो भी खराब हो जाता है। अल्टीमेटली चीज़ को सुखा करके और जो उसका उपयोग है, उसका तो आटा बनना है, उसको लंबे समय तक रखना भी होता है, स्टोरेज भी होती है, तो इसलिए मॉइस्चर वाले विषय पर ज़्यादा छूट नहीं होती। लेकिन जो चीज़ ऐसी है जिसकी छूट देने से कोई क्वालिटी में बड़ा अंतर खाने की चीज़ में ना आए, उस पर जरूर थोड़ा बहुत विचार करते हैं। लेकिन अभी जब कोई डिमांड आएगी कितना करना क्या करना, तो केंद्र को कहेंगे, केंद्र की सहमति से, एफसीआई की सहमति से होता तो करेंगे। सर, आप भिवानी के दौरे पर रहे, इसी के साथ भिवानी के दौरे पर रहे, अलग अलग वर्गों से मिले, गांव में गए, किसानों से मुलाकात की, कांग्रेस भी अपने हालांकि जनसंवाद कार्यक्रम जो है वो कर रही है, लेकिन फिर भी दीपेंद्र हुड्डा और विपक्ष के लोग आपके इस जनसंवाद को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं? करेंगे, करते रहना चाहिए, बयानबाजी होगी तो मामला गर्म रहेगा। पड़ा नहीं, ये हमारा रूटीन है भाई, आखिर पहले भी, अरे वो तो कहेंगे ही, जब वो घबराहट होती है तो ऐसे ही कुछ ना कुछ बोलते ही हैं। अब उनको एक तीन दिन के दौरे से इतनी घबराहट हो गई है, और जो हमारी सारी टीम सारे फील्ड में उतरेंगे, इसका अर्थ ये थोड़े कि गांव में जाते नहीं हैं, हमारे लोग पहले भी जाते रहे हैं। मुख्यमंत्री इस बार चौके, देखिए 2 साल कोविड बीमारी निकल गए, और 2 साल के बाद अगला तीसरा साल, जो 2 साल की पेंडिंग चीज़ें थी, कई हमने नए कार्यक्रम शुरू किए थे, उसको फील्ड में उतारना था। अब देखो, आप में से जो लोग साथ रहे हैं, मुझे नहीं पता कौन कौन साथ थे, बीच बीच में मुझे कुछ लोग दिखते रहे, नमस्ते नमस्ते होती रही, लेकिन आपने देखा होगा कि हर चीज़ का, चाहे वो राशन कार्ड था, चाहे वो आयुष्मान भारत की बात थी, चाहे वो नौकरियां जो हैं पारदर्शी ढंग से हमने दी हैं, चाहे मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का विषय है, कितने विषय, और सबने कहा इसके लाभ उनको हुए हैं। हम गिनती कहते हैं कि आपके यहाँ 80 नौकरियां लगी हैं, वो कहते हैं जी 150 से ज़्यादा लगी हैं। फिर हम कहते हैं भाई इसमें केंद्र सरकार की नौकरी मत जोड़ो, इसमें आर्मी की मत जोड़ो, तो मतलब कुल मिला के हमारे से ज़्यादा उत्साही वो हैं। मतलब ये इम्पैक्ट वाली बात है कि आपने जो सरकार ने प्रयास करे उसका इम्पैक्ट जो है ग्राउंड पे देखने को मिला। मेरा काम है देखना, ये आखिर नीचे फील्ड में चीजें जा रही हैं या नहीं जा रही हैं। हम यहाँ चंडीगढ़ में बैठ के खुश होते रहे और नीचे कुछ पहुंचे नहीं, तो उसका लाभ क्या है? आखिर इन चीजों से हमें भी विश्वास बना,
जो चीज़ें हमने पहली बार नहीं की हैं, जनता के द्वार तक जाने के लिए सेवाएं और जो हमारी योजनाएं हैं वो कितनी पहुंची हैं, उससे मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ, बहुत ज़्यादा। बहुत देखिए, हमारी 72 लाख परिवार हैं, 3.25 करोड़ आबादी है, 7,000 गांव हैं, और समस्याएं जो होती हैं वो सामान्यतः सब लगातार चलने वाला काम होता है, और इसके अंदर बहुत सी इंडिविजुअल समस्याएं ज़्यादा होती हैं, सामूहिक समस्याओं की एप्लीकेशन नहीं आती। इंडिविजुअल क्या कि मेरी ट्रांसफ़र भले वो ऑनलाइन हुई है तो भी मेरा बच्चा छोटा बीमार है, मेरे माता पिता बीमार है, मेरा ट्रांसफ़र करा के नज़दीक डेपुटेशन कर दीजिए, या कहीं कोई आर्थिक सहायता की आ गई, किसी के मकान की कोई मरम्मत करानी है वो आ गई है, और ऐसी भी हैं जो हमारी स्कीमें चल रही हैं उसमें स्कीम का लाभ नहीं मिला, मानो किसी की पेंशन बढ़नी चाहिए थी नहीं बन पाई है, या हमने प्रोएक्टिवली बनाई है सब, लेकिन सिस्टम का पार्ट कमी रह भी सकती है। इंडिविजुअल ज़्यादा थी, जनरल में भी थी। पानी की समस्या उस इलाके में देखने को मिली, पीने के पानी की, हमने कहा है कि पीने के पानी की कोई कमी नहीं रहने देंगे, पानी होगा बाकी वर्षा इसके इरीगेशन के लिए तो वो जाएगा ही, और वो क्षेत्र ऐसा है खास करके जो राजस्थान के साथ साथ वाला इलाका तो शाम का हल्का जिसको मैं कहूँगा, तो उसमें कुछ ज़मीन भी रेतीली ज़मीन, उबड़ खाबड़ और पानी पहले से ही कम जाता रहा है, लेकिन अब तो वहाँ पानी का तेल तक पहुँचाने का काम ने जो किया था अब चलता भी है। एक जगह एक नहर जो चल रही थी छोटी नाली जिसको खाला कहते हैं, उस खाले पर वहाँ जो लोग मिले वो कहते हैं जी अभी तो फिर भी हमें पानी दिखता है, 10 साल पहले तो पानी का कभी था ही नहीं। चौधरी बंसीलाल ने उस इलाके में खूब नालियाँ नाले खाले खूब बनाए लेकिन पानी नहीं पहुँचा पाए। हमने अब वहाँ चाहे सप्ताह यानी एक महीने में चाहे 3 दिन 7 दिन जो भी आता है, लेकिन पहली बार ये पिछले 4-5 साल में पानी जाना शुरू हुआ, हमने तसल्ली कराई है कि भी पीने का पानी साधन आपको जरूर मिलेगा। हुड्डा साहब बीमार थे लेकिन उनके 29 MLA तो और भी थे, किसी को भी पकड़ा सकते हैं कागज, उनके डिप्टी लीडर थे उनके माध्यम से भेजते, और जो उन्होंने बोला आखिर वो लगातार नहीं आखिरी में तो उतने बीमार रहे, लेकिन उससे पहले भी उन्होंने यही सारे विषय उठाए थे, इन्हीं का जवाब लेके गए थे, तो उनका जवाब देने के बाद भी रटी टराई वही बात कि हम 71,000 करोड़ छोड़ के गए थे। अरे मैं कहता हूँ सिद्ध करो 71,000, मैं कहता हूँ 98,000 करोड़, इस एक बात का ही फैसला कर लो। मैं कहता हूँ वो कितना ही बता दें, और धीरे धीरे देखिए प्रदेश प्रगति पर जाएगा, तो ये कर्जे के बिना, ये तो उन्हीं का स्टेटमेंट कभी का है और उन्हीं का है, वो उन्हीं का खाली है नहीं, सभी का वो रहता है कि विकास के नाते आवश्यकता अनुसार कर्जे लिए जाते हैं। तो आज हम कर्जा विहीन ऐसा नहीं है, हमने भी कहा कि हमारा कर्जा इतना है इससे ज्यादा नहीं। मैं कहता हूँ इतना आनंद है उनको कि घर बैठे उनको सारी चीजें मिल रही हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ ये स्टेटमेंट अगर वो बार बार देते रहेंगे कि पीपी बंद कर देंगे, पीपी बंद कर देंगे, चाहे वो पीपीपी है और चाहे ई टेंडरिंग है, ई टेंडरिंग के मामले में भी आप दोनों तो मुझे दिख रहे थे और भी को दिखा होगा, किसी ने विरोध किया? लोगों ने राजी होकर उनका कि बहुत बढ़िया कर दिया, और इवन वहाँ के सरपंच, एक सरपंच तो मुझे कहने लगा कि आपने 2 लाख से 5 लाख क्यों किया, 2 लाख से 50,000 करते हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। देखिए पहले दिन भी था आखिरी दिन भी रहेगा, ये चर्चा को रोकने का कोई फायदा भी नहीं है और चलता रहेगा तो अच्छा ही है, सब अलर्ट रहेंगे। देखिए बहुत सी चीजें नए नए अच्छे अच्छे सुझाव आते हैं, जैसे एक किसान ने कहा कि जो नहर का पानी मोरी में जाता है ना, तो उस समय वो जो सॉकेट होती है उस सॉकेट पर कोई चीज़ अड़ जाती है, कभी चलते पानी में कोई बोतल आ गई कुछ और आ गया तो फंस जाती है,
और फंस जाती है तो हमें उसको निकालने के लिए कई बार गहराई में होता है तो नहर में उतरना पड़ता है, ठंड का मौसम होता है तो वो बहुत मुश्किल आती है। तो इसका कोई और तरीका किया जा सकता है क्या? इनके बताओ क्या कर सकते हैं? वो कहने लगे जी उस जगह पर ना होकर के थोड़ा वहाँ से तो पाइप से पानी आए, थोड़ा आगे चल करके एक हौद बनाई जाए और उस हौदी में वहाँ सॉकेट हो ताकि हम नीचे झुक करके अगर उस वहाँ फंस जाए कुछ झुक करके निकाल सकें, पानी में ना जाना पड़े। मैंने इंजीनियर को बुलाया तुरंत, मैं कभी क्या कह रहा है ये? अब वो अपनी बातें इधर उधर एक्सप्लेन कर रहा था। मैंने कहा तेरे से बढ़िया तरीका बताया देना, एक महीने में इसको इसी ढंग से सॉल्यूशन करके दिखाओ, सफल हो असफल हो तब बताओ मुझे। तो मैंने तुरंत उसको कहा लागू करो। ऐसे ही एक सज्जन ने कहा कि पुलिस की जो गाड़ियाँ होती हैं जो कंडम हो जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं या जिनकी किलोमीटर पूरी हो जाती है, उनको ऑक्शन करते हैं, पहले उनको बेचते हैं, ऑक्शन नहीं बेचते हैं, और अभी जो है डीसी और ये जो है ना मैनुअली उसको बुला करके लोगों को तब उसके बोली कराते हैं और सब हेरा फेरी करते हैं, जिसको देनी होती है देते हैं, इसको आप ऑनलाइन करो। हमने कहा कल से ही डीजीपी को मैंने कह दिया कि इसको ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन में कोई भी कहीं बैठा उसकी गाड़ी का देखेगा, अपना उसको आके लेने होके आके देख जाएगा, इंस्पेक्शन करना कर जाएगा, लेकिन बोली वहाँ भी वो ऑनलाइन ही लगाएगा ताकि हर किसी को पता लगे कि ये गाड़ी इसमें मिल रही है बिक रही है। वो तो सर कई सीआरपीसी में प्रोविजन है, एसपी लेवल के अफसर कई अपने बंदों को चाहतों को देते हैं, दे सकते हैं सीआरपीसी 35 है, पता नहीं कौन सा। मैं वही कह रहा हूँ ना, अब कोई नहीं दे सकेगा अब तो। हाँ, वहाँ जो आए देखे वो भी ऑक्शन में ही जाए, उसका एक समय फिक्स होगा। बल्कि ऑक्शन का तो हमने बहुत अच्छा तरीका एक निकाला है कि लास्ट ऑक्शन के बाद हम एक समय तय करते हैं, अगर क्लोज होने का ऑक्शन का टाइम भी है ना और उससे एक मिनट पहले ऑक्शन आ गई तो उस ऑक्शन के बाद वो अपने आप लाइव हो जाती है ऑक्शन उतने समय के लिए। उस टाइम के बाद भी मानो 15 मिनट रखा तो 15 मिनट में अगर कोई ऑक्शन आ गई आखिरी टाइम के खत्म होने पर भी तो 15 मिनट के लिए वो फिर दोबारा से लाइव हो जाएगी। हाँ, फिर 15 दिन में 14 मिनट पर फिर आ गई, फिर 15 मिनट के लिए तो चलता रहेगा। एक ऑक्शन तो ऐसी चली थी कि वो सवेरे जाके बंद हुई, रात भर लगे रहे, एचओसीपी का था ये। सोचा है अभी और आपको बताऊंगा तो सबको पता लग जाएगा। 12, 13, 14 अभी अप्रैल में पलवल जिले में ये मेरा दौरा होगा। प्रोसेस पूरी हो रही है, उसमें हमने जो बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया है उन्होंने रिपोर्ट अपनी देनी है, क्योंकि रिजर्वेशन के नाते से कुछ चीज़ें हमने चेंज की थी। बाद में एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था, उन्होंने कहा कि ट्रिपल टेस्ट ये करने के बाद ही आप चुनाव करा सकते हैं। वो ट्रिपल टेस्ट की कुछ शर्तें थी, हमने बैकवर्ड जो आयोग है हमारा बैकवर्ड क्लास आयोग, कुछ काम उनके जिम्मे था, कुछ हमने अपने आप किए हैं और बहुत जल्दी वार्डबंदी वगैरह हो करके और कभी भी उसकी घोषणा हो सकती है। देखिए उसके बारे में स्पष्टीकरण भी दे चुका हूँ और मैंने जो कुछ कहना था मीडिया के माध्यम से कहा जा चुका है, कोई भी ऐसी कंट्रोवर्शियल बात बार बार करना ठीक नहीं। प्रशासनिक फेरबदल ऐसी चर्चाएं होने वाला है, क्या मान के चले कि आजकल प्रशासनिक फेरबदल तो रोजाना होता है, कुछ कब रुकता है? अभी 4 दिन पहले हुआ पुलिस के ट्रांसफर कितने हो गए ना, तो बस फिर आज भी हो, मैं तो आईएएस का भी होगा, एचसीएस का भी होगा, एचपीएस का भी होगा, इंजीनियर्स का भी होगा, डॉक्टर्स का भी होगा, सबका होगा। धन्यवाद। कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इस दौरान बहुत सी बड़ी बातों का उन्होंने जिक्र किया। 30 से ज्यादा एजेंडों पर चर्चा हुई, 3 एजेंडे रेफर किए गए हैं दोबारा रिवाइज के लिए और इस वक्त पत्रकारों के साथ मुख्यमंत्री की लंबी गुफ्तगू चली, बातचीत चली, आयुष पद्धति से इलाज को मान्यता मिली है। लंबे गैप के बाद कैबिनेट की बैठक हुई, ये भी मुख्यमंत्री ने कहा और इस दौरान मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि 3 एजेंडाज को दोबारा रिवाइज करने के लिए भेजा गया, सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलप अथॉरिटी का प्रस्ताव रखा गया। इसके साथ ही उन्होंने अपने अगले दौरे को लेकर कहा कि अगला दौरा पलवल में रहेगा, 12, 13, 14 तारीख को, 12, 13, 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री का अगला दौरा पलवल जिले का होगा। जैसे भिवानी जिले का दौरा था वैसा ही पलवल जिले का दौरा होगा।
और कर्ज को लेकर एक बार फिर मुख्यमंत्री ने यह कहा कि कर्ज को लेकर कांग्रेस के जो आंकड़े हैं वो गलत हैं। कांग्रेस की तरफ से जिस तरह से आंकड़ों की बात की जा रही है, इसको लेकर मुख्यमंत्री कह रहे थे कि वो कुछ भी कहते रहें, उनके आंकड़े कभी कुछ होते हैं कभी कुछ होते हैं। और इसको लेकर भी हरियाणा में सियासी घमासान मचा हुआ है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि हम 71,000 करोड़ रुपए छोड़कर गए थे कर्ज। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कह रहे हैं कि 98,000 करोड़ रुपए छोड़कर गए थे। और एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने कर्ज को लेकर उन्हें चैलेंज किया है।